सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेजिक डेथ से पूरा इंडिया शॉक्ड है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले बॉलीवुड को एक कभी न भूलने वाला फिल्म दे दिया छिछोरे। और इस वीडियो में हम छिछोरे की सफलता की कहानी को जानेंगे, क्योंकि छिछोरे मूवी एक कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ हमारे लाइफ में एक बहुत इंस्पिरेशनल मूवी भी है, वो हमें बहुत सारी सीख देती है और इस वीडियो में हम उसकी कहानी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ मूवीज होती हैं जो पर्दे से सीधे दिल में उतरती हैं। ऐसी ही एक मूवी थी 2009 में रिलीज हुई थ्री इडियट्स, जो कि भारत के एजुकेशन सिस्टम और इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर फोकस करती थी और स्टूडेंट सुसाइड्स जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाती थी। और जिस तरीके से स्टूडेंट लाइफ को उस मूवी में डिपिक्ट किया गया है, सभी दर्शकों को उम्मीद थी कि यह मूवी पूरे सदी में एक बार ही बनाई जा सकेगी, लेकिन 2019 में छिछोरे मूवी ने इस सभी धारणाओं को तोड़ दिया। छिछोरे मूवी के टाइटल से ऐसा लगता है कि यह कोई एडल्ट बी ग्रेड मूवी होगी, जिसके कारण मैंने भी इसे बहुत दिन तक नहीं देखा था, लेकिन रियलिटी में इस मूवी में वो सब कुछ है जो मूवी व्यूअर्स चाहते हैं मूवीज में रहे। हर लोगों को इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, ये सभी के लाइफ में बहुत भारी प्रभाव छोड़ेगी। दंगल, चिलर पार्टी और भूतना रिटर्न्स बनाने के बाद नितेश तिवारी पर बहुत भारी दबाव था, क्योंकि उनकी पुरानी फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, जिसके कारण उन्हें छिछोरे मूवी भी एकदम परफेक्ट चाहिए थी, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी के बारे में 2012 से लेकर अब तक प्लान किया था। आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि छिछोरे मूवी नितेश तिवारी के लाइफ को डिपिक्ट करती है। जी दोस्तों, नितेश तिवारी खुद भी एक IITian रह चुके हैं और उन्होंने 1992 से 1996 तक IIT बॉम्बे से IIT किया था, और इस मूवी के पूरे प्लॉट को नितेश तिवारी ने अपने लाइफ से इंस्पायर किया है। नितेश तिवारी अपने IIT के पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से IIT में एडमिशन पाया और उसके बाद एक IITian भी बने। और इस मूवी में भी उन्होंने इसी प्रकार का कुछ दिखाया है कि फेल होने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। और अब के एजुकेशन सिस्टम में जब कोटा और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हम सुसाइड की घटनाएं बहुत आम तरह से सुनते हैं, इस टाइम में यह मूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। इस मूवी के मेन स्क्रिप्ट राइटर्स हैं नितेश तिवारी और पीयूष गुप्ता, और दोनों अपने लाइफ में कभी ना कभी फेल हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को इसके स्क्रिप्ट में उतार दिया है। इस मूवी के रियलिस्टिक होने का सबसे बड़ा कारण है नितेश तिवारी इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्योंकि वह खुद IIT कॉलेज में रह चुके हैं 4 साल तक, जिसके कारण उन्हें ये पूरी तरह से पता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इस मूवी को स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। डायरेक्टर नितेश तिवारी के सामने सबसे बड़ा दबाव था कैरेक्टर्स को एज लुक में दिखाना, क्योंकि सभी अपने यंग एज में हैं, जिसके कारण ओल्ड लुक दिखाना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन जिस तरीके से कैरेक्टर्स को एज रूप में दिखाया गया है, वो हमें फील कराता है कि वो कैरेक्टर्स असल में ओल्ड हैं, जिसके कारण हम खुद को इस मूवी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इस मूवी के कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत खुद इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें इस मूवी के रोल को प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी सभी एक्टर्स भी अपने कास्ट में पूरी तरह से फिट बैठे हैं इस मूवी में। इस मूवी को मेनली स्पोर्ट्स पर फोकस किया गया है, जिसके कारण नेशनल एथलीट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल कोचेस को हायर किया गया था इस मूवी में सभी कैरेक्टर्स को स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देने के लिए। ताहिर राज भसीन, जो कि डेरे के किरदार में है इस मूवी में, उन्होंने भी खुद ही नेशनल एथलीट्स के साथ रनिंग की थी। और इस मूवी में ताहिर राज भसीन को एक स्मोकर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असल में वो एक नॉन स्मोकर है, वो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो इस मूवी में जो सिगरेट पीते रहते हैं, उस सिगरेट में तुलसी के पत्ते और कुछ ग्रीन टी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मूवी को लेकर। अगर ओवरऑल बात करें तो यह मूवी लगभग हर पैमाने में सही उतरती है। इस मूवी का जो मेन मैसेज है वो भी काफ़ी अच्छे से हमारे दिल में सभी व्यूअर्स के माइंड में जाके बैठ जाता है, और यह मूवी काफ़ी इंस्पिरेशनल है हम सभी लोगों के लिए। और अंत में नितेश तिवारी सफल रहे बॉलीवुड को उसके दूसरे थ्री इडियट्स मूवी को देने में। और ये थी बॉलीवुड में कभी ना भूलने वाली छिछोरे मूवी की एक सक्सेस स्टोरी। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, हम सक्सेस स्टोरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते हैं। आगे जाके हम बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी अपलोड करेंगे, जिसमें आप सभी को बहुत मजा आएगा। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स 200 नहीं पूरे हैं, जल्द से पूरा दीजिए। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय और जय हिंद।